राजौरी के शहीद अमर है, अमर है। राजौरी के शहीद अमर है, अमर है। राजौरी के शहीद अमर है। मोदी शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सेंट्रल गवर्नमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सेंट्रल गवर्नमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सेंट्रल गवर्नमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सेंट्रल गवर्नमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 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 मोदी शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सेंट्रल गवर्नमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सेंट्रल गवर्नमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राजौरी में चल रहे एनकाउंटर के अंदर अभी तक हमारे 5 जवान जो है वो शहीद हो चुके हैं और अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। लेकिन आज सुबह एक बड़ी खबर निकल के सामने आती है कि एक आतंकवादी को जो है वो मार गिराया जाता है और एक आतंकवादी को जो है वो जिंदा दर्दबोच लिया जाता है। लेकिन सवाल या निशान यहाँ पे ये उठता है कि लोगों के दिलों के अंदर जो है वो इस समय कितनी बड़ी ठेस जो है वो पहुँची है। आप अगर बात की जाए बीते 10 दिनों के अंदर जो है अभी तक 10 जवान जो है वो हमारे देश के जो है वो शहीद हो चुके हैं और अभी भी कॉर्डन ऑफ पूरे इलाके को किया गया है, सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया गया है। आज बजरंग दल के द्वारा जो है एक कड़ा विरोध जो है वो सरकार के खिलाफ किया जा रहा है, सरकार को जगाने का प्रयास जो है बजरंग दल के द्वारा जो है वो किया गया है। राकेश बजरंगी जी से बातचीत करेंगे। राकेश जी, पिछले अगर 10 दिनों की अगर बात की जाए तो अभी तक 10 जवान जो है वो शहीद हो चुके हैं। पूरा देश इस समय जो है वो मायूसी के आलम में है और इस समय गुस्सा जो है लोगों के अंदर भरपूर भरा हुआ है कि जब से G20 की बात जो है वो कश्मीर में उठी है कि G20 की मीटिंग जो है वो कश्मीर में होने जा रही है, तब से कहीं ना कहीं एक बड़ी बौखलाहट जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो देखने को मिल रही है और पाकिस्तान लगातार इन्फिल्ट्रेशन जो है वो हिंदुस्तान के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो करवाया जा रहा है। किस तरह से इस पूरे वाक्य को जो है आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूँ उन वीर शहीद जवानों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति जो है वो पीर पंजाल के अंदर दी है। वो देश के खातिर जो है वो अपनी जान निछावर कर गए केवल देश के लिए। और मैं भगवान जी से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान ग्रहण स्थान दे और उनके माता पिता को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति। बात करूँगा कि पूरे देश के अंदर एक रोष है, पूरे देश के अंदर एक बड़ा रोष है। इससे पहले आपने देखा कि 10-15 दिन पहले जब बाटा दूरियो के जंगल के हाईवे के ऊपर हमारे 5 जवानों को गोलियों से छलनी कर उनको जलाने का काम किया गया, तब भी पूरे देश के अंदर रोष सामने आया। लेकिन ये कब तक चलेगा ये केंद्र सरकार से आज हम मांग पूछ रहे हैं। हमने आज पाकिस्तान का पुतला फूंका है, आज हमने पाकिस्तान का झंडा फूंका है कि पाकिस्तान को चेताने का काम किया है कि वो है आतंकवादी को प्रशिक्षित कर वो भारत की धरती के अंदर भेज रहा है। लेकिन केंद्र सरकार के खिलाफ रोष इसलिए है कि केंद्र सरकार अभी तक उन शहीद जवानों का बदला जो है अभी तक नहीं ले पाई। जब उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक हो सकती है, तो अब क्यों नहीं? अब तो पाकिस्तान कटोरा लेके विश्व के सामने घूम रहा है, उसके घर की स्थिति जो ठीक नहीं, उसकी सेना लड़ने की स्थिति में नहीं, तो क्यों लाहौर के अंदर तिरंगा नहीं फहराया जा रहा? क्यों पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब जो है वो नहीं दिया जा रहा? अभी चैनल के माध्यम से ही मुझे पता चला कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो है वो राजौरी आ गए हैं। मैं उनसे ही आग्रह करूंगा क्योंकि जो हमारी सेना है, जो हमारी तीनों सेनाएं हैं वो उनके अधीन है और उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी जो है वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर के पास है। उनको किस प्रकार से सुरक्षित करना है ये सब उनके जिम्मे हैं। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि क्यों आप इसके ऊपर कड़ा संज्ञान नहीं ले रहे? क्यों हमारे सैनिकों के खून का बदला खून से नहीं लिया जा रहा? क्यों अभी तक पाकिस्तान के 500 सैनिक जो हैं वो ढेर किए गए? क्यों अभी तक उनके आतंकवादी जो हैं वो ढेर नहीं किए गए? कल मुझे खुशी हुई कि हमारी सेना ने 4 आतंकवादियों को कश्मीर के अंदर ढेर कर दिया, उनको 72 हूरों के पास भेज दिया। इसी प्रकार से खुशी हमें तभी होगी और इन शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि सभी तभी सही होगी जब पाकिस्तान के 500 सैनिक जो हैं वो ढेर कर देगी हमारी सेना।
जब तिरंगा जो है वो लाहौर के अंदर लहराएगा तभी हमें जो है सही हमारे दिल को सुकून पहुंचेगा। कब तक हमारे सैनिक किसी प्रकार से शहीद होते रहेंगे? एक तरफ नक्सली जो है, अभी पिछले हफ्ते नक्सलियों ने 10 सैनिक जो है वो शहीद किए हैं उधर छत्तीसगढ़ में। तो लगातार हमारे देश के अंदर हम सैनिकों का नुकसान उठाते जा रहे हैं और हम उसके बाद कार्रवाई कोई नहीं। एक पाकिस्तान का विदेश मंत्री आता है और वो कश्मीर को विवादित बता देता है मीडिया में आकर, और बोलता है कश्मीर के अंदर G20 रखना एक विवादित क्षेत्र में वो ठीक नहीं किया, आप उल्लंघन कर रहे हैं कानून का। अरे वो कौन होता है हमें बताने वाला? वो POJK की बात करे जो वहां पर हमारा दबा के बैठे हैं, हम तो वो भी लेंगे इनसे। क्या इसी बुखलाहट के अंदर जो है वो मतलब कि ये पूरे देश में पूरे दुनिया में ये दिखाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो हालात जो है वो सामान्य नहीं है, यहाँ पे G20 की मीटिंग जो है वो नहीं करवानी चाहिए। देखिए 3-4 महीने से कश्मीर एकदम शांत था, कश्मीर के अंदर टूरिस्ट खुलेआम घूम रहा है, लेकिन कल से जो है वहाँ हरकतें शुरू हो गई हैं। यह पूरी तरह से पाकिस्तान के इशारे पर उनका विदेश मंत्री गोवा के अंदर है, हमारा देश उसकी मेहमान नवाजी कर रहा है, जबकि वो कहते हैं कि हमने मीडिया के माध्यम से मुंह तोड़ जवाब दिया। अरे जब उसने इतनी बात कही थी तो मेरे जैसा व्यक्ति होता तो मुंह तोड़ देता उसका उसी टाइम बैठे हुए वहां पर। लेकिन इस प्रकार से जवाब देना कि जुबान से जुबान, वो हमें नहीं चाहिए। अगर हमारे सैनिकों का खून बहा है तो हमें भी खून का बदला खून से चाहिए, हमें केवल बातों से नहीं, निंदा करने से नहीं, ऐसे कुछ नहीं चलेगा। अब अगर हमारे सैनिकों का खून बहेगा तो उनके सैनिकों का भी खून बहेगा, उनके आतंकवादियों का खून बहेगा। वो जो फंडिंग पाकिस्तान जो है, चाहे वो ड्रग्स के माध्यम से या किसी प्रकार से, सरकार को एक चीज और कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, ये जो ड्रग माफिया जो है सक्रिय हुआ है, ये आतंकवादियों का सहयोगी है, और जो लोग ड्रग यूज कर रहे हैं, जो खरीदते हैं बेचते हैं, वो भी आतंकवादी हैं, उनको भी उसी संज्ञान में लेना चाहिए, उनको भी उसी कानून के दायरे में लाकर इनको उसी प्रकार से जेल की सलाखों के अंदर डालना चाहिए जो लोग ड्रग्स बेच रहे हैं, जो खरीद रहे हैं। क्योंकि क्लियर हो चुका है कि ड्रग्स का पैसा सारा आतंकवादियों को जाता है, हवाला फंडिंग में जाता है, तो ये आतंकवादी क्यों नहीं है? ये भी आतंकवादी हैं, तो इनको भी उसी लाइन में खड़ा करके ना उन्हीं के बराबर जो है इनको सजा मिलनी चाहिए। सरकार को सख्ती बरतनी पड़ेगी, और जो इनके ओवरग्राउंड वर्कर हैं उनको भी आतंकवादियों के बराबर रख कर गोली मार देनी चाहिए। किस लिए इनको पालना है, किस लिए हमारे देश को नुकसान करवाना है इन लोगों के जरिए? यही लोग पैसा धन मुहैया सब जो है वो स्थान मुहैया करवा रहे हैं, उनको खाने पीने की चीजें जो है मुहैया करवा रहे हैं, जंगलों के अंदर जो लोग बैठे हैं, ये सरकार को अपने जो है इंटेलिजेंसियों को सक्रिय कर उन लोगों का पता लगाना चाहिए जो लोग इन आतंकवादियों को सहयोग कर रहे हैं, और सबसे पहले उनको गोली मारने का काम जो हमारी सेना करे। यहाँ पे राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो किया गया है, और जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो जगाने का प्रयास यहाँ पे किया गया है। अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप इसी तरह से बने रहे JK मीडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।